हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल से रिगार्डिंग जितनी भी कंफ्यूजन आपको इन दिनों हो रही है, उस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन जो लोगों को आ रही है वो है कि क्या इस बार एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है, उसके बारे में आपको क्लेरिफिकेशन करूंगा। इसके अलावा जो दूसरी कंफ्यूजन लोगों को हो रही है कि पेपर में क्या कुछ कम किया जा रहा है, यानी एग्जामिनेशन पेपर जो आएगा वो क्या उस पैटर्न पे नहीं आएगा जिस पैटर्न पुराना होता था, ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने वाला हूं। तीसरी चीज कि क्या नए लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उसकी क्या प्रोसेस है, वो क्या कर उसके लिए क्या करना है, वो कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। और चौथी जो कंफ्यूजन आती है बहुत ज्यादा जो लोगों को हो रही है इस टाइम पर, कि जो आपका पिछले वाले यानी रिवाइज सिलेबस 4 वाले हैं वो और रिवाइज सिलेबस 5 वाले जो हैं वो 4 वालों का एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट हो सकता है, वो कब तक अपने सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं क्लेरिफिकेशन करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने वाला बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहली क्वेरी आती है आपकी के क्या जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है या नहीं। तो मैंने आज ही नाइलेट में बात की है और मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि अभी तक उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। दैट मीन साफ है कि इस बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो ऑफलाइन ही होगा और जैसे पेपर पेन के द्वारा होता था वैसे ही किया जाएगा। और पेपर के जो दूसरा कंफ्यूजन होता है कि पेपर में कोई चेंजेस तो नहीं किया गया है, तो पेपर पैटर्न वही रहेगा जो हमेशा रहा है, यानी वही क्वेश्चंस आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे पार्ट ए में, जो 40 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 60 मार्क्स का पेपर रिटन में ही आना है। ठीक है, तो ये चीज क्लेरिफिकेशन है। इसके अलावा जो थर्ड पोर्शन आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, बता दूं आपको रजिस्ट्रेशन नए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो अगर आप ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल करना चाहते हैं तो आप नाइलेट की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको जो नई स्कीम है वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने की आ चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप नाइलेट की साइट से विजिट कर सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी व्यू करा दिया है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो साफ तौर पर ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, इन सबके एग्जामिनेशन पैटर्न आ गए हैं। और इस बार जैसे कि आपको पता ही है कि रिवाइज सिलेबस 4 और रिवाइज सिलेबस 5 दोनों का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वो एक साथ कंडक्ट होंगे, तो यहां पर वो भी आपको पैटर्न दिया गया है, आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। इसके अलावा नाइलेट की वेबसाइट पर भी ये स्कीम अपलोड हो चुकी है, तो वहां से भी इसका व्यू कर सकते हैं। 12 सितंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने हैं, 4 दिन आपका ओ लेवल का एग्जामिनेशन चलना है कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा ये चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी तक जिन्होंने रिवाइज सिलेबस 4 का एग्जामिनेशन जो लोग दे रहे हैं उनके पास सिर्फ जनवरी 2021 तक का ही टाइम है, यानी वो 21 तक अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें, अन्यथा उनको रिवाइज सिलेबस 5 के आधार पर ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो उनके मॉड्यूल बचे रह जाएंगे, जो पेपर उनके बचे रह जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सी लैंग्वेज का पेपर क्लियर फाइल नहीं कर पाते हैं, रिवाइज सिलेबस 4 के आधार पर सी लैंग्वेज का पेपर क्लियर नहीं कर पाते जनवरी 2021 तक, तो इस मान के चलिए कि आपको फिर उसके बाद पाइथन का पेपर देना होगा जो रिवाइज सिलेबस 5 के आधार पर है। तो इसलिए आप अपने एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए। आशा करता हूं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।